आतत्ते इन्द्र आयवः पनन्ते अभिय उर्वं गोमन्तं तित्रित्सान् सकृत् स्वयं ये पुरुत्पुत्रां महीं सहस्रधारां बृहतीं दुदुक्षन्। मंत्रार्थ, इंद्र हे परम ऐश्वर्यवान आयवः आयु वाले ते तुम्हारी तत् वह आपनन्ते स्तुति करते हैं, यह जो उर्वम हिंसा को बल वीरता द्वारा गोमंतम शब्दमय को अभितित्रित सान अनादृत करने की इच्छा करते हैं, ये जो सकृत पुनः पुनः स्वम अपने पुरु पुत्राम बहुत पुत्रों वाले रक्षित पवित्र महीम महान सहस्रधाराम सहस्रधारा युक्त बृहतीम बृहत वृद्धिशील वृद्धिकर्ता को दुधुक्षण दुहना चाहते हैं। भावार्थ, सभी आयुधारी प्राणी परमात्मा की स्तुति करते हैं, मनुष्य उनमें विशेष है। धात्वादि निरुक्त आ उपसर्ग तत् सर्वनाम ते सर्वनाम इंद्र इंद परमेश्वरी होना आयवह आ उपसर्ग ई अय गति करना यव समाप्त करना उपसंहार करना यू मिश्रित करना पृथक पृथक करना आय शब्द करना शासन करना परंत पन प्रशंसा करना स्तुति करना अभी उपसर्ग य सर्वनाम उर्वम उर्व हिंसा करना गोमंतम गु शब्द करना मनन करना तित्रित सान त्रिद हिंसा करना अनादर करना दान करना खाना भक्षण करना सकृत अव्यय स्वम सुत्पन्न करना पराक्रम होना ये सर्वनाम पुरु बहुत पुत्राम पू रक्षा करना श्वास लेना पू रक्षा पवित्र करना स्वच्छ करना महीम मह महत्व होना सम्मान करना सत्कार करना सहस्र धाराम सहस्र संख्या धाह धारा होना बृहतीम बृह बढ़ना वृद्धि होना दुदुक्षण दुहना लेना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 28 ओम आतत्ते इन्द्रायवः पनन्ते अभिय उर्वं गोमन्तं त्रतस्सान् सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रां महीं सहस्रधारां बृहतीं दुदुक्षन्। इंद्र संबोधन है। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हम सब जानते हैं इंद्र शब्द से बहुत परिचित हो चुके हैं। यदि इंद्र परम ऐश्वर्य होना धातु से इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति है, परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। हे इंद्र हे परमेश्वर, आतत्ते इंद्र आयवः पनन्ते, ते हे इंद्र तत्वह ते तुम्हारे लिए आयवः आयु वाले, आयु का बहुवचन है आयवः, जिनको भी आयु प्राप्त है जिनकी भी कुछ आयु है वे सभी पनन्ते स्तुति करते हैं। पन धातु का अर्थ होता है स्तुति करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना पन धातु का अर्थ है। तो पनन्ते का अर्थ हुआ स्तुति करते हैं। तो कह रहे हैं हे इंद्र हे परमेश्वर, सभी आयु वाले
तुम्हारी स्तुति करते हैं। जिनको भी आयु प्राप्त है वे सब उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये निर्देश भी है कि हम सब लोगों को, हमको ये आयु प्राप्त हुई है, जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमें उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। अभिया उर्वम गोमंतम तित्रसा। तो यह जो उर्वम हिंसा को पूर्व धातु का अर्थ हिंसा है, पूर्व धातु हिंसा करना, तो उर्वम हिंसा को गोमंतम, गो धातु का अर्थ तो शब्द करना मनन करना है, तो गोमंतम का अर्थ हुआ शब्दशील, मनन करने वाले, मनन युक्त। तित्रसान त्रद धातु का अर्थ हिंसा करना, अनादर करना है, दान करना भी है, भक्षण करना, खाना भी है। तो यहां पर देखना है धातुओं के इतने अर्थ हैं, तो हम कौन सा अर्थ ग्रहण करें, पूरे मंत्र को देखते हुए, अन्य शब्दों को, उनके अर्थों को देखते हुए, बहुअर्थी शब्दों में से हमें अर्थ का चयन करना होता है। एक या अनेक अर्थ स्वीकार्य होते हैं, ऐसा हम चर्चा करते रहते हैं। कहते हैं पूर्वम हिंसक जो हैं, उनको गोमंतम का अर्थ शब्दशील मननशील तो है, ये उर्वम के साथ है, तो इसका अर्थ कह सकते हैं जो हिंसक वाणी बोलते हैं, अर्थात जो वाचिक हिंसा भी करते हैं, शब्दों से हिंसा करते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको तित्रसान, उनकी उपेक्षा करें, हिंसा करें, तृतकार हिंसा करना है, अनादर करना भी है, उनका अनादर करें, तिरस्कार करें, जो हिंसा करने वाले हैं उनका अनादर तिरस्कार करें, उनका आदर सम्मान करने का कोई औचित्य नहीं है, जो हिंसक है उनका क्या सम्मान करना, हाँ संभव हो तो उन्हें समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास तो किया जा सकता है, परंतु उनका आदर सम्मान तो नहीं किया जा सकता जब तक वे हिंसा का परित्याग नहीं कर देते। सकृत, सकृत अव्य है बहुधा, अनेक बार 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 के अर्थ में, स्वम अपने को, ये जो पुर पुत्राम बहुत पुत्र वालों को, महीम महान को, ये जो अपने बहुत पुत्र वाले महान हैं उनको सहस्र धाराम, सहस्र धारा बहुत धाराओं से युक्त, बृहतीम बृहत बड़े, दुदुच्छन दोना चाहते हैं। जो देखिए उनके और लक्षण बताए गए हैं आगे, जो अपने को या अपने लिए सकृत बार बार पुर पुत्राम बहुत पुत्र वालों को, जो महान है उनको, बहुत धाराओं से युक्त हैं उनको, बृहती बड़ों को दोहना चाहते हैं। समाज में जहां भी कहीं कुछ समृद्धि है, विकास है, प्रगति है, वे लोग उन सब का दोहन करना चाहते हैं, ये भी हिंसा है। तो ऐसे नकारात्मक विचार वालों को समाज में ऐसा
लूट खसोट करने वालों को अर्थ यही निकला उनका दोहन करना। ऐसे लोगों का तिरस्कार करने के लिए कहा गया है, ऐसा कह सकते हैं। और इसको इस रूप में भी चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं कि तिरस्कार जो करने वाले हम लोग हैं, आतत्ते इंद्र आयवः पनन्ते, उनके जो आयुवान हैं, हे इंद्र तुम्हारी स्तुत करते हैं। जो परमेश्वर के स्तुत करने वाले उपासक हैं, वे हिंसकों का तिरस्कार करते हैं। यह सीधा सा अर्थ, उसका भाव समझ में आया है ना। जो परमेश्वर के स्तुत करने वाले हैं, परमेश्वर के उपासक हैं, वे हिंसकों का तिरस्कार करते हैं, वे हिंसकों का सम्मान नहीं करते, हिंसकों का अनादर करते हैं। आप बहुत बड़े ईश्वर भक्त बने हैं, अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं और हिंसकों का समर्थन कर रहे हैं, हिंसकों का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर आप ईश्वर के भक्त नहीं हैं, ईश्वर के स्तुत करने वालों में आप नहीं हैं। यह संकेत निर्देश भी हमको इस मंत्र से ग्रहण करना चाहिए। इसके दूसरे चरण को दूसरे रूप में सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं। यदि इसको हमने हिंसकों के से संबद्ध किया तो हमने इस प्रकार का अर्थ किया, क्या इसका और कोई अर्थ भी हो सकता है? ये जो ईश्वर की स्तुति करने वाले हैं, वे सकृत बार बार अपने को बहुत पुत्र वाले महान सहस धारा से युक्त वृद्धशील का दोहन करते हैं। उनसे हम विद्या निर्देश उपदेश प्रेरणा प्राप्त करते हैं और समाज में सुव्यवस्था स्थापित करते हैं। ये दो प्रकार का भावार्थ इस मंत्र के उत्तरार्ध का हमने किया। शब्दों का अर्थ वही है, सभी शब्दों का धातु जर्थ है, धातु जर्थ जो भी है, शब्द सा अर्थ वही है, किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। ये संदर्भ को दृष्टगत रखते हुए यदि इस मंत्र के उत्तरार्ध को ईश्वर की स्तुति करने वालों से संबद्ध करेंगे तो उसका सकारात्मक अर्थ ग्रहण करेंगे, और यदि हम उन हिंसकों से संबद्ध करेंगे जिनकी उपेक्षा तिरस्कार करना है, तो हम इस दोहन का शोषण और लूट के अर्थ में नकारात्मक भावार्थ करेंगे। हमने देखा शब्दार्थ वही है, हम अपने भाव के अनुसार उसको किसके साथ जोड़कर देखें तो भावार्थ सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कौन सा भावार्थ ग्रहण करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि हमने ये भावार्थ किया है, इस भावार्थ को हमने ठीक कहा है, हमारे वेद भाष में ये वाला भावार्थ लिखा है संयोग बस, तो वही अंतिम सत्य। हम बिल्कुल कहते हैं शब्दों के धातु अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे, शब्दों का अर्थ तो वही होगा जो धातु के अनुसार है, इस प्रकार प्रसंग के अनुसार अलग अलग भावार्थ करने का अधिकार आप सबको है, वेद के प्रत्येक अध्येता को है। इसमें कभी इस बात का विवाद नहीं होना चाहिए कि उस महापुरुष ने, उस महान विद्वान ने इसका ये भावार्थ किया है तो वही अंतिम सत्य। बहुत लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं, भाई ये कहा जाए कि इस मंत्र में ये बात कहाँ है, अरे भाई उन्होंने ये अर्थ किया है, वो इतने बड़े विद्वान है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे भाई वो बहुत बड़े विद्वान है, उनका पूरा सम्मान करते हैं, कृपया आप बताएंगे जब आप उनका अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं तो किस शब्द का ये अर्थ कैसे लिया गया है? तो ये तो वही बाबा वाली बात हो जाएगी, बाबा वाक्यम प्रमाणम, हर कोई अपने अपने गुरु जी का अर्थ पढ़ेगा, अरे भाई हमारे गुरु जी इतने महान हैं तो उनका अर्थ आप कैसे निकाल सकते हैं? तो फिर सबके अर्थ में भावार्थ में इतना अंतर है तो क्या किया जाएगा, उसे कैसे समझा जाएगा? तो उसी का एक कह सकते हैं एक समाधान हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि सभी शब्दों का धातु जर्थ करें, जो धातु जर्थ होगा शब्द का अर्थ शब्दार्थ तो वही होगा, वह नहीं बदल सकता।
और शब्दार्थ का सम्मान करते हुए उसके धातु जर्थ को उसी शब्दार्थ को स्वीकार करते हुए इस प्रकार से अलग अलग भावार्थ कर सकते हैं, परंतु वह भावार्थ वेद की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए। वेद की जो मूल विचारधारा है उसके प्रतिकूल तो नहीं ही जाना चाहिए। ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कोई अर्थ करने लगे इससे समाज में विवाद उत्पन्न हो, भेदभाव उत्पन्न हो। आप कहें साहब ये वर्ग अच्छा है, ये वर्ग अच्छा नहीं है। आप किसी वर्ग को कहें कि साहब ये तो सर्वश्रेष्ठ महान विद्वान सदाचारी हैं, और किसी पूरे के पूरे समुदाय वर्ग को कह दें कि नहीं भाई ये तो मूर्ख हैं, अनाचारी हैं, दुष्ट हैं, पूरे वर्ग को आप कह दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो जन्म से माने या कर्म से माने, आज भी हम देख रहे हैं चिकित्सकों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लुटेरा कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। वे रोगी उनके पास गया नहीं कि उन्होंने ऐसा भय उत्पन्न किया कि बस अब आप आ गए हैं, थोड़ी सी देर करते तो ये तो चले जाते, तत्काल आप इतने लाख रुपयों की व्यवस्था करें, अन्यथा इनका जीवन तो गया, हम जान लगाकर किसी तरह इनको बचाएंगे। है कुछ नहीं, कुछ देर वो अपना कुछ दिखाएंगे, लाखों रुपए आपसे ले लिए, कुछ देर उसके साथ लगे रहे कि हाँ साहब बड़ी सेवा चिकित्सा कर रहे हैं, और कुछ घंटों के बाद उन्होंने कहा ईश्वर की बड़ी कृपा है, हमारा परिश्रम सफल रहा और आपका रोगी बच गया, उसका जीवन बच गया, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपका प्रयास हमारा परिश्रम सफल रहा। बहुत से चिकित्सक ऐसे हैं कि इस प्रकार से इससे भी अधिक अनुचित कार्य करते हैं, तो क्या सभी चिकित्सक बुरे हो जाएंगे? चिकित्सक जन्म से नहीं कर्म से ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। न तो सभी चिकित्सक देवतुल्य हैं, न सभी चिकित्सक इस तरह से लुटेरे हैं। ये किसी भी वर्ग के लिए कहा जा सकता है, किसी भी समूह समुदाय के लिए कहा जा सकता है। कोई व्यापारी ऐसा हो सकता है जो अनुचित तरीकों से धन अर्जित कर रहा हो, परंतु सभी व्यापारी तो ऐसे नहीं हो सकते। कुछ अध्यापक भी ऐसे हो सकते हैं जो अनुचित लाभ उठाने के लिए छात्रों का हित कर देते हों, निजी स्वार्थ के लिए किसी छात्र का हित कर देते हों, तो सभी शिक्षक तो ऐसे नहीं हो सकते। तो वो जन्म से माने या कर्म से माने, किसी भी कार्य को करने वाला शिक्षक हो, सैनिक हो, व्यवसायी व्यापारी हो, किसी अन्य प्रकार का सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति हो, आप उसे जन्म से कहें या कर्म से कहें, किसी भी समुदाय को, किसी भी वर्ग को आप मूर्ख कह दें, आप दुष्ट कह दें, आप निंदनीय कह दें, ये अनुचित है, हमने इतना ही कहा। कोई भी ऐसी बात कहता है तो मैं कहता हूं कि वेद में कहां लिखा है, वेद के किस मंत्र में ऐसा लिखा है, आप दिखाइए। वेद में तो नहीं लिखा है, हो सकता है आपके लिए सम्मानित किसी विद्वान ने वेद मंत्र का अर्थ करते हुए भावार्थ में अपनी ओर से ऐसा लिख दिया हो, तो मैं कहूंगा कि ये ठीक नहीं किया है। वो चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, उसकी विद्वता को हम नमन करेंगे, उसने बड़ा अच्छा कार्य किया है, हम उनको प्रणाम करते हैं, परंतु यदि कहीं ऐसा कुछ किया है जो उचित नहीं है, तो हम विनम्रता पूर्वक साहस के साथ कहेंगे महोदय आपका कार्य बहुत उत्तम होगा, परंतु यह जो आपने लिखा है ये ठीक नहीं। ये साहस, ये आत्मविश्वास, ये आत्मबल हम आप सबको देना चाहते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो ये मानकर चलें, महादयानंद का जो मौलिक संदेश है वो यही है, वेद वाक्यम प्रमाणम है, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा। वेद में जो लिखा है वो मान्य है, किसी व्यक्ति ने क्या कहा है वो मान्य नहीं है। स्पष्ट समझे, यदि कोई दयानंद जी के नाम से भी कहता हो कि नहीं साहब स्वयं स्वामी दयानंद जी ने ऐसा कहीं कहा था या लिखा था, मैं विनम्रता से कह दूंगा भैया उनके नाम से हो सकता है किसी ने कहीं कुछ छाप दिया हो, कह दिया हो, परंतु हम उनके इस निर्देश को मानते हैं कि वेद ही प्रमाण है, अन्य कुछ भी प्रमाण नहीं है। तो भावार्थ हमारा अलग अलग है,
शब्दार्थ तो वही रहेगा, शब्दार्थ तो नहीं बदलेगा। हाँ, जैसा कहा एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं या एक शब्द को अनेक धातुओं से बनाया जा सकता है, तो शब्द बहुवर्ती होते हैं वेद में, श्लेष अलंकार से अनेक अर्थ हो सकते हैं, वे सभी अर्थ स्वीकार्य हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप जो भी उसका मंत्रार्थ कर रहे हो, जो भी भावार्थ कर रहे हो, वे वेद के मूल विचारधारा, वेद की गरिमा के अनुकूल हो, उसके विपरीत न जाने पाए, इतना बस ध्यान रखें। ये हमारा निवेदन है। शेष हमारे अर्थ से अलग अर्थ करें, उसके विपरीत अर्थ करें, हम आपका पूरा स्वागत सम्मान करते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग स्वतः अपने अपने अर्थ करें, हमारे अर्थ को ही केवल न बनाए रखें, उसी पर आश्रित न रहें। हमारे किए गए अर्थ को, हमारे इस तरीके को जो हमने आपको बताया, किस प्रकार से आप धातु जत ग्रहण करके, किस प्रकार चिंतन मनन करके उसका भावार्थ करें, बस इतना ग्रहण करें, क्या हमने मंत्रार्थ भावार्थ किया है उससे अलग आप स्वयं करें, हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। किसी के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार रखना हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, इस मंत्र से तो अहिंसा का और अच्छे से प्रचार हो गया कि ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर की स्तुति करें और अहिंसा का पालन करें, और जो हिंसा कर रहा है उसका उसको अवॉइड करें। जी बिल्कुल ठीक है। ओम। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए। आर्या जी, जी बोलिए। हरीश जी, इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट आ रही है कि जो भी लोग हिंसक है उनका सम्मान न करें, उनकी स्तुति न करें और उनको त्याग दें। क्या ऐसा असर निकल रहा है इसमें? बिल्कुल कहा गया है, तिरस्कार करें, उपेक्षा करें, ये भी कह सकते हैं। आपके आवश्यक नहीं है कि उनसे आप लड़ने चले जाएं, अपना समय ऊर्जा उनसे लड़ने में न लगाएं, उनसे बचकर निकल जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छी बात है। ओम धन्यवाद। गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं कह रही थी कि बहुत सारे पुत्रों वाले ही अर्थ लिया जाएगा या फिर हम इसका कुछ और भाव भी ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी संतानें। देखिए, पूर्व का अर्थ है बहुत और पुत्राम कहा गया है, तो यही अर्थ हुआ बहुत से पुत्र वालों को, बहुत पुत्र वालों को, भरा पूरा परिवार है। ऐसा भी कहते हैं कि जैसे अब समाज में हमारे साथ आप सब लोग जुड़े हैं तो ये भी तो हमारा परिवार है। तो अक्सर पौराणिक उसमें जो हम लोग सुनते हैं कि उनके इतने पुत्र आदि, तो उसको आप इस रूप में ही ग्रहण कीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के सैकड़ों संतान उस अर्थ में नहीं हो सकते। इस अर्थ में सामान्यतः लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये उनके दो पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, तो उसकी तो सभी लोग समझ सकते हैं कि एक सीमा मर्यादा हो सकती है, किसी के एक दो होंगे, चार छः होंगे, लेकिन जहाँ सैकड़ों हजारों की बात हो रही हो तो इस पर समझा जा सकता है कि वो ऐसा ही परिवार है जैसा परिवार हमारे साथ आप सब लोग हैं। तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के भावार्थ को भी हो। किस प्रकार की सहस्र धारा का भाव है? बहुत सी धाराएं जो स्रोत हैं हमारे, जहां से हमें प्राप्ति हो रही है। अब वो विद्या हो सकती है, धन हो सकता है, प्रेरणा हो सकता है, अच्छे बुरे अर्थों में जैसा भी हमने कहा ग्रहण करें, तो बहुत सी धाराओं से, बहुत से स्रोतों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसी समाज में अनेक लोगों से कुछ अच्छा बुरा सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, सुख दुख पाते हैं,
विद्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं, तो हमारे विचार से तो यही अर्थ है इसका। तो जी हरिया जी, आप जुड़े हैं, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, उस समय पश्चात ही सही। यहाँ सब लोग बोलते हैं तो आपने देखा है, ये पहले भी रहे हैं। वो कल की सूचना एक बार दोबारा हो जाती तो देखिए, साप्ताहिक विशेष सत्र प्रत्येक रविवार को 11 बजे होता है, उसका लिंक गौरव जी देंगे। हाँ, ये उसमें विशेष सूचना यदि आपने कहा है तो ये महत्वपूर्ण है, यदि जानकारी में न हो तो उसका लिंक गौरव जी देंगे। कल ही प्रातः काल से 11 बजे तक सामान्यता एक दो बार दे देते हैं, तो जिन भी हमारे समूहों में आप जुड़े हैं वहीं से जहाँ से ये लिंक मिले हैं वहीं से वो भी मिलेंगे। आप हमारे किसमें ये वैदिक क्रांत वेदायन आदि में कहीं जुड़े होंगे। जी बताएं। ओम, हाँ जी हाँ, वैदिक क्रांति में जुड़ा। हाँ, तो वैदिक क्रांत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक तो वही होता है, लेकिन एक सप्ताह में होता है तो दे देते हैं, प्रातः काल वो 9-10 बजे से 11 बजे तक सामान्यता दो बार तो दे ही देते हैं। जी ठीक स्वामी जी, नमस्ते। और भी किसी को कुछ कहना हो तो अभी बात कर सकते हैं। स्वामी जी दो शब्द आते हैं, एक हिंसा और दूसरा द्रोह, तो दोनों में क्या अंतर है स्वामी जी? इसको यूं कह सकते हैं, हिंसा में कुछ ना कुछ किया जाएगा, वाचिक ही सही, वचनों से ही हिंसा की गई। द्रोह का अर्थ है उसके विरोध की भावना है, आवश्यक नहीं है कि वो हिंसा ही करे, अनेक कुटिल चालों से किसी प्रकार से जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता आज होती है, तो उसमें जैसे द्रोह होता है, विद्रोह होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है प्रकट रूप में वो मित्र ही प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो वाचिक हिंसा भी नहीं करेगा, बहुत सम्मान से आपसे बात करेगा, परम द्रोह भावना से वो अपने कार्यकर्ता रहेगा, तो इस प्रकार का कुछ अंतर मान सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से दोनों ही नकारात्मक भाव हैं और उससे बचना चाहिए, इतना कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। क्या हिंसा को क्रियात्मक रूप में देखा जाए और द्रोह को भावनात्मक रूप में मानसिक समझा जाए? जी, इसको इस रूप में कह सकते हैं, हमने यही कहने का प्रयास किया है, परंतु उसमें वो कह सकते थे कि मतलब मानसिक हिंसा कुछ लोग कहते हैं इस बात को, तो ये ठीक है कि द्रोह में अभी वैसी क्रिया नहीं भी हुई है, थोड़ा सा एक सूक्ष्म अंतर ही है, मानसिक कह सकते हैं, लेकिन द्रोह में भी वो कुछ अपना चालें तो चलता रहता है, प्रत्यक्ष हिंसा नहीं होती, परोक्ष भी चलती है, तो कह सकते हैं सूक्ष्म विवेचन में इसमें अनेक लोग विस्तार से समझा सकते हैं, हो सकता है मनाशास्त्र के जानकार और अच्छा बताएं, तो मैं समझता हूँ जो उसका मूल भाव है वो हम आप सब समझ ही रहे हैं, अभ्यक्त करने की बात है, हो सकता है आप या और भी अच्छे शब्दों में उसे व्यक्त कर दें, तो जो आपने कहा हमने कहा लगभग एक ही बात है, तो शायद द्रोह में फिजिकल वायलेंस होता होगा और बाकी दूसरे में फिजिकल वायलेंस नहीं होता होगा।
जी तो देख लीजिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो देखें, अन्यथा समापन करें। कोमल जी देखिए कैसा भी है। जी, किसी का प्रश्न नहीं है शायद, तो हम समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ठीक है, कल प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र में हम लोग मिलते हैं। उसमें सनातन धर्म पर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, खुली चर्चा होगी। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। गौरव आज भी लिंक दे देना चाहो तो, और कल तो देंगे ही। जी दे देंगे। ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म।